सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ चरणजीत सिंह चन्नी, जिथे बीते दिन केंद्र सरकार वालों किसानां दी मंगा मनदिआं तीनों खेती कानूनां नूं रद्द करन दा ऐलान कर दिता गया है, उत्थे ही दिल्ली दी बरूहां ते बैठे किसानां दे चेहरिआं ते भी खुशी साफ दिखाई दे रही है। उत्थे ही बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत एक बार मुड़ तो घिरदी दिखाई दे रही है। दरअसल पूरा मामला तुहानूं दस देना चाहुंदे हां कि बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत वालों किसानां नूं लैके भद्दी शब्दावली अपने सोशल मीडिया अकाउंट उत्ते वरती गई है। दरअसल कंगना रनौत वालों कहा गया है कि किसान दिल्ली की बरूहां ते नहीं बैठे, जो दिल्ली की बरूहां ते बैठे हैं वो किसान खालिस्तानी अत्तवादी हैं। इस शब्दां नाल कंगना रनौत वालों ये शब्द भी लिखे गए हैं कि इन्हां नूं इंदिरा गांधी ने ही सूत किया सी ते हुण मोदी सरकार की बांह मरोड़ रहे हैं। इस दे नाल ही मनजिंदर सिंह सरसा जो सीनियर अकाली आगू हैं ते दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं, उन्हां वालों कंगना रनौत खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है ते उत्थे ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री नाल भी मुलाकात की गई है। दरअसल मनजिंदर सिंह सरसा वालों की कुछ किया गया है पहला थानू वो सुना दें। आज हम यहाँ पे अभी एडिशनल सिटी साहब से मिले हैं। पहले हम खार पुलिस स्टेशन में हमने अपनी इंस्पेक्टर कंप्लेंट दी है। हमारा ये है कि कंगना रनौत जो जहर उगल दी उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए। बार बार पहले उसने किसानों की माताओं को 100-100 रुपए पे बिकाऊ बताया, अब उसने कहा कि प्रधानमंत्री से आतंकवादियों ने खालिस्तानियों ने आर्म ट्विस्टिंग करा के वापिस केस कराए। ये प्रधानमंत्री जी की गरिमा को भी बहुत बड़ी चोट है, उस कुर्सी को भी। और फिर ये कहा कि एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने इनको पैरों के नीचे कुचला, जूते के नीचे कुचला, मच्छर की तरह कुचला, और ऐसे ही इनके साथ बर्ताव होना चाहिए। ये जो है ये बहुत बड़ी नफरत है, ये हेट है, और ये ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, इनके FIR लॉन्च करके अरेस्ट करे ताकि इसको सबक सिखाया जा सके। अगर ये मेंटली रिटार्डेड है तो इसका हॉस्पिटल में इलाज मेंटल हॉस्पिटल में कराया जाए, अगर ये ड्रग्स लेती है तो इसका नशा छुड़वाया जाए, इस पर मुकदमा दर्ज करके तो इसका इलाज कराया जाए परमानेंटली। हम इसलिए आज बैठे हुए हैं। तो ये इनके इशारों पे बोल रही हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए तीन ही कारण है, या तो बहुत नशा करती है, कोई ड्रग्स लेती है, या तो मेंटली डिप्रेशन में रिटार्डेड है जिसके लिए उसको फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, या तो उसके पीछे कोई है जो इसकी नफरत फैला के देश का माहौल खराब करना चाहता है। तीनों सूरतों में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर इलाज करना। सो तुसी सुनिया मनजिंदर सिंह सरसा वालों साफ शब्दों में कहा गया है कि कंगना रनौत खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने सिखा ते किसानां दे खिलाफ भद्दी शब्दावली वरती है। इस दे नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर वालों भी कंगना रनौत नूं करड़े हत्थी लिया गया है। कंगना रनौत नूं साफ शब्दों में कहा गया बीबी जगीर कौर वालों कि तुसी उस कौम ते निशाना साध रहे हो जिस कौम ने इस देश नूं आजाद कराने के लिए 90% कुर्बानियां दित्तियां हन। बीबी जगीर कौर वालों की कुछ कहा गया पहला तुहानूं वो सुना दिंदे हां। तकलीफ इस गल की है कि वो उन्हां सिखां दे खिलाफ बोली है जिन्हां सिखां ने देश की आज़ादी वास्ते वड्डियां कुरबानियां कीतियां, जिन्हां ने कदी किसी की ईन नहीं मनी। इत्थे अहमद शाह बदाली वर्गे, बाबर वर्गे, औरंगजेब वर्गे, जहांगीर वर्गे सिखां नूं मारन ते तुल गए, लेकिन सिखां ने कदी ईन नहीं मनी। और वो सिख जिन्हां ने बार्डरां ते अज भी छाती ताण के अपनियां जाना वार के इस देश नूं बचाया, जिहड़ी उह गल कह रही है कि 84 दे विच जो उस वेले दी प्रधानमंत्री ने नंगा नाच करा के सिखां नूं मरवाया सी, नसलकुशी करन दी कोशिश कीती, लेकिन बड़ा दुख है कि उहदी प्रेज़ करदिआं होइआं उहनां बहादुर सिखां दे खिलाफ़ बोली है जिन्हां बहादुरां ने कदी किसी दी ईन नहीं मन्नी। मैं समझदी हां कि जां तां उह दिमाग तो खाली है जां किसी हंकार विच है कि शायद मेरी जड़ी है बड़ी चर्चा होएगी कि मैं ये गल करांगी तो मेरी लोकां दे विच बल्ले बल्ले होएगी, वाहवा होएगी। ये उस गल नूं भुल जाना चाहिए कि इन्हां सिखां ने कदी किसी नूं माफ़ नहीं किया। कोई भी जे किसी की अणख ते गैरत नूं वंगारेगा तो सिख कदी बर्दाश्त नहीं करनगे। सो बीबी जगीर कौर वालों साफ शब्दों में कहा गया है कि सिख कौम वह कौम है जिसने इस देश नूं आज़ाद करवाने लई वड्डा वडमुला योगदान पाया है। इस दे नाल ही तुहानूं दस देना चाहुंदे हां कि अमृतसर दे विच वी कंगना रनौत खिलाफ़ तिखे नारेबाजी की गई, उत्थे ही कंगना रनौत का पुतला भी साड़िया गया, उत्थे ही कंगना रनौत ते तिखे शब्दी वार भी किए गए। की कहा गया वह भी तुहानूं सुना दिंदे हां। जिस तरह जिस दिन के खेती तीन काले खेती कानून वापस किए केंद्र की मोदी सरकार ने,
ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਪ ਲੇਟਣ ਡੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿੱਤੇ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਪ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਾਨਣ ਡੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਜ ਲੂਜ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।